हाँ तो फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में मैं आपको एक बताने वाला हूँ एक अमेजिंग ट्रिक, एक अमेजिंग सेटिंग जो आपके एंड्रॉइड फोन में इजिली मिल जाती है मगर आपने कभी उसको यूज नहीं किया होगा। दोस्तों आज की जो ये अमेजिंग ट्रिक है, जो हिडन सेटिंग है, तो दोस्तों बहुत ही कमाल की होने वाली है और आपको कभी ना कभी जरूर ये ट्रिक फायदा देगी, कभी ना कभी आपके जरूर काम आएगी। दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग ट्रिक है जो आप अगर ये वीडियो देखोगे तो आप खुद ही बोलोगे हाँ भाई इतनी अच्छी ट्रिक है। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको हमारी ये जो आज की ट्रिक थी, आज की जो अमेजिंग सेटिंग थी वो कैसी लगी है। तो दोस्तों आज की वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है इब्राहिम और आप देख रहे हैं आप सबका चैनल टेक्निकल इब्राहिम यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज जो अमेजिंग ट्रिक वो ये है कि दोस्तों कभी ना कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आपका कोई भाई या कोई और आपसे मोबाइल मांग लेता है तो बोलता है दो मिनट में मोबाइल दियो या मैं गेम खेलूंगा या मैं कुछ भी यूट्यूब चलाऊं या कुछ भी ऐसा चलाऊं। तो दोस्तों आप उसको मोबाइल दे देते हैं, जैसे आप उसको अपना मोबाइल देते हैं तो आपको कभी काम पड़ जाए या आपको थोड़ा सा वॉशरूम जाना हो या कहीं किचन में जाना हो आप चले जाते हैं तो वो पीछे से आपकी जो यूट्यूब आपने खोल के दी होती है वो बंद करके आपका व्हाट्सअप, आपका फेसबुक या आपका कुछ भी हो, आपके जिसके अंदर आपके मैसेजेस हो, किसी के भी या कुछ ऐसा डेटा हो वो आपको इजिली वो देख जाता है। मगर दोस्तों आज मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप अगर उसको एक ही चीज खोल के दोगे वो उसके बाहर निकल ही नहीं पाएगा। तो दोस्तों अगर आपने ये वीडियो देख ली, अगर आप ये ट्रिक सीखना चाहते हैं तो आपको वीडियो के साथ बना रहना है और मैं आपको बता दूंगा ये होगा कैसे। ये सिंपल, कोई इसके लिए आपको एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, ये सिंपल छोटी सी जो सेटिंग है, छोटी जो ट्रिक है वो हमारे एंड्रॉइड फोन में ऑलरेडी होती है। चलो दोस्तों चलो मैं आपको मोबाइल में और बता देता हूँ आपको क्या करना होगा। तो फ्रेंड आपने ज्यादा कुछ नहीं करना, आपने अपने मोबाइल सेटिंग में चले जाना है जहां मैं अभी अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाता हूं और अपने मोबाइल की सेटिंग जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो आपने नीचे आ जाना है, स्क्रॉल डाउन कर देना है और यहां पर आपको मींस एक सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलता है, इसको आपने ओपन कर लेना है और नीचे जैसे आएंगे तो यहाँ आपको स्क्रीन पिनिंग, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पिनिंग का ऑप्शन है, इसको आपने क्लिक करना है। ये ऑलरेडी ऑफ होता है, इसको आपने कर देना है यहाँ से और यहाँ से ऑलरेडी ऑफ होगा, इसके नीचे कंस्ट्रक्शन दी गई है इसको आपने कर देना है। जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो ऑब्वियस आपने इतना करना है, उसके बाद आपने सिंपली बैक आ जाना है। अभी आपने करना है क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी उसको एप्लीकेशन खोल के देनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी मैसेज वाली खोल लेता हूँ तो आपने जिसको भी आप वो मांग रहे हैं उसको आपने फॉर एग्जाम्पल ये मैसेज खोल के देने हैं तो आपने करना क्या, सिंपली इसे टैप करना है तो ऊपर करके जहाँ नीचे देखेंगे पिन का निशान बना है, ठीक है ये पिन का निशान है तो आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसे एक दफा इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो स्क्रीन प्रिंट हो गई है, अब स्क्रीन के बाहर कोई भी नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लिखा भी आ गया है स्क्रीन इज पिंड, तो आप देख सकते हैं कि मैं अगर इसको बैक का दबाऊंगा फिर भी नहीं जाएगा, बीच वाला दबाऊंगा या होल्ड जो भी दबाऊंगा वो मींस हमारी जो स्क्रीन है वो कहीं भी नहीं जाएगी। अगर आपने इसको अनपिन करना है तो आपने सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ बैक वाला जो बटन है उसको आपने होल्ड करके रखना है तो यहाँ लिखा आ गया स्क्रीन इज अनपिन। तो दोस्तों ऐसे करके अगर आप किसी को मोबाइल दे रहे हैं, कोई एप्लीकेशन चलाना चाहता है तो आपने उसको एप्लीकेशन खोल कर और ये वाला पिन लगा कर दे देनी है तो वो आपके जो पिन से मींस आपको जो एप्लीकेशन से बाहर नहीं निकल पाएगा। दोस्तों ऐसा करके आप अपना जो डेटा है वो सिक्योर कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, आइए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।